नरेंद्र मोदी करेंगे एक और सर्जिकल स्ट्राइक, अब की बार सोने पर मार। तय होगी घर में सोना रखने की लिमिट, काले धन वाले बच नहीं पाएंगे। काले धन के खिलाफ पीएम मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। करेंसी पर लगाम लगाने के बाद सरकार का अगला निशाना सोने पर है। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द घर में सोना रखने की लिमिट तय कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर सोने की खरीद फरोख्त की खबरों के बाद कई जगहों पर ज्वेलर्स के यहाँ छापे पड़े थे। काले धन से गोल्ड खरीदने की खबरों के बीच अब सरकार घरों में सोना रखने की लिमिट तय कर सकती है, जिससे लोग काले धन को सोने में निवेश नहीं कर पाए। दरअसल गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत है। ऐसा आकलन है कि गोल्ड की सालाना मांग का लगभग एक तिहाई काला धन खपाने में किया जाता है। ये वैसे पैसे होते हैं जिन पर टैक्स नहीं दिया गया होता और जिसे लोग छुपा कर रखते हैं। गौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर काले धन के रूप में सोने में निवेश होने की आशंका है। इससे पहले 1000 और 500 के नोट बंद करने पर करेंसी घर में रखने वालों में हड़कंप मच गई है। सरकार का कहना है कि काले धन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी और इसी कड़ी में कुछ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। यानी ये तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी को लेकर किसी भी तरह की कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है, और देखा जाए तो ये देश हित में ही है। ब्लैक मनी की वजह से विकास की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई थी। ऐसे में पीएम मोदी के ब्लैक मनी के खिलाफ सख्ती बरतने से लोग काला धन नहीं छुपा पाएंगे और आखिरकार इससे देश की ही विकास की रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।